साधकों, जय भोलेनाथ। आज फिर मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ साधकों। साधकों, जिन्नाथ साधना का दूसरा भाग लेकर के मैं आया हूँ। एक भाग में हमने आपको जानकारी दी थी, दूसरा भाग और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। अगर जरा से भी चूक साधना में हो जाती है तो साधना चली जाती है। साधकों, इसमें जो है आपको एक आम की चौकी बनवानी पड़ेगी, जो 2 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी और ज़मीन से 6 इंच ऊंची होगी। यह चौकी आप आम की बनवाएंगे और आप जो है पैर में केवल खड़ाऊँ पहन सकते हैं, चप्पल आप नहीं पहन सकते हैं। खड़ाऊँ यदि बनवाना है तो आम का ही बनवाइएगा। साधना करने से पहले आपको सारी व्यवस्था पहले से कर लेना है। आपको 12 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, जिसमें से ढाई ढाई मीटर के 4 आपको अचले बनाने हैं, क्योंकि एक अचला आपको ओढ़ना है और एक अचला आपको पहनना है। जब आप स्नान करोगे तो दूसरे अचले की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो वो अचला आप धुल करके डाल दीजिए पानी से और दूसरा अचला आप पहन लीजिए। इस प्रकार से 4 अचला और बाकी जो 2 मीटर कपड़ा बचा है, 1 मीटर कपड़ा आपके आसन के लिए होगा और 1 मीटर कपड़ा आपको चौकी पर बिछाना है। आसन के लिए कपड़ा जो बिछाएंगे आप, उसके नीचे आप कंबल कोई भी डाल सकते हो। यदि सफ़ेद हो कंबल तो अति उत्तम है, और यदि सफ़ेद कंबल नहीं है तो आप कोई भी कंबल डाल करके उसके ऊपर से वो सफ़ेद कपड़ा डाल दीजिए। इससे जो है आपका आसन सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद में जो चौकी पर आप कपड़ा बिछाओगे वो भगवान का होगा, आपके जिन्नाथ बाबा का। उसके बाद में आपको कड़वे तेल का दीपक, यदि तिल्ली का तेल का मिल जाए जो अपने हाथ से पिराया हो, खरीदा हुआ ना हो, तो अति उत्तम है। अन्यथा अपने हाथ से आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और सेंट, जो अच्छा वाला सेंट है, सबसे खुशबूदार सेंट, और आपको अगरबत्ती लेनी है। उसके बाद में आपको सफ़ेद मिठाई, शुद्ध सफ़ेद मिठाई की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए, एक दिन पहले ही, क्योंकि उस दिन जो है आपको समय नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो आपकी माला होगी वो रुद्राक्ष की माला होगी, क्योंकि ये सावर मंत्र है और हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इसमें आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। 108 दाने की माला की आवश्यकता पड़ेगी। उस माला को आप देवता के नाम से प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। यदि आपको माला में दिक्कत हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, मैं माला आपको यहाँ से भेज सकता हूँ आपके पते पर, लेकिन यदि स्वयं कर लें तो अति उत्तम है। पूर्व दिशा की आपका मुख होगा और एक एक मंत्र जपने के साथ में, जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसा आप मंत्र जपते हैं आपके मन में वही भावना आनी चाहिए और एकाग्रता से आप जाप करिए। जैसे ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ है हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब तक किसी मंत्र का अर्थ साधकों आप नहीं जानोगे तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल खाना पूर्ति करने से कोई साधना सफल नहीं होती है, हर मंत्र का अर्थ होता है और अर्थ के हिसाब से अंतरात्मा में आपके भावना आती है। जैसे हमने कहा मैं राम को नमस्कार करता हूँ, तो ये अंतरात्मा में भावना आई तो उसी अनुसार हमारी जो वेशभूषा है, शैली है, उसी के अनुसार हमारा हाव भाव भी होगा। तो उसी प्रकार जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ हुआ मैंने शिव जी को नमस्कार किया है। ऐसा नहीं है कि हाँ मंत्र की खाना पूर्ति करने से आपकी सफलता मिल जाएगी, असंभव है। यदि साधना इतनी सफल होती तो हर व्यक्ति साधना कर लेता। साधकों, हर मंत्र का एक अर्थ होता है और अर्थ के हिसाब से, अर्थ के अनुसार आदमी का हाव भाव प्रकट होता है। साधकों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बताए अनुसार जो व्यक्ति साधना करे वो सफल हो जाए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हाँ आदमी को भ्रमित करो, भ्रमित करने के बाद में व्यक्ति मेरे विषय में उल्टा सीधा सोचे, मेरी ये भावना नहीं है साधकों। साधकों,
जो साधना करो पूरी जानकारी से करो, पूरी निष्ठा से, विवेक से। भले जीवन में एक ही साधना करो लेकिन पूरी निष्ठा से करो, पूरी जानकारी से करो। जिस साधना में जरा सा भी गलती हो जाती है वो साधना व्यक्ति के विश्वास को बहा ले जाती है, अगली साधना पर साधक का विश्वास नहीं होता है। इसलिए साधकों, जो भी साधना आप करिए बिल्कुल समझ करके पूरी निष्ठा से करिए और पूरी विवेक से उसको समझ लीजिए कि हाँ ये साधना में कोई त्रुटि तो नहीं है। साधकों, मेरे चैनल पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपको सही मिलेगी। हाँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि हो सकता है पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए YouTube पर नहीं दे पाता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाता है। यदि आपको कोई अन्य चीज़ जानना है तो हमसे आप फ़ोन से बात कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो आपको 94 93 24 95 94 53 94 95 24 95 ये नंबर है। आप हमारे वीडियो में और भी देख लीजिए, नंबर हमने दे दिया है। और हमारी ईमेल आईडी है omadhyatmagyan@gmail.com, आप उस पर मेल भी कर सकते हो। हमारा उद्देश्य यही है साधकों कि जो भी साधना करें वो पूरी जानकारी से करें। ऐसा नहीं है कि एक कहावत जो है कि कौवा कान ले गया, आपने सुन लिया और उसके पीछे आप दौड़ गए, ये गलत बात है साधकों। जब तक पूरी जानकारी आप ना ले लें तब तक कोई भी साधना में हाथ ना डालें। यदि एक साधना आपकी असफल होती है तो दूसरी साधना में भी आपको शंका बनी रहती है और शंका साधना का जहर है। यदि किसी भी साधना में आपको शंका बनी रहती है तो उस साधना में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। साधकों, मैं आपको और इसके आगे की बात बताऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारियां हैं, वो सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। साधकों, जय भोलेनाथ।